नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर्मेशन पर राजभवन में इस वक्त करीब डेढ़ महीने के पेच फंसने के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार चल रहा है और एक एक करके तमाम मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में नीतीश मिश्रा जो हैं, जो कि मिथिलांचल इलाके से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन्होंने शपथ ली है। नितिन नवीन जो कि पिछले सरकार में मंत्री रह चुके हैं पथ निर्माण मामलों के, 2020 के बाद नितिन नवीन ने शपथ ली है जो कि कास्ट जाति से आते हैं। दिलीप जायसवाल ने शपथ ली है, शीला कुमार मंडल ने शपथ ली है और महेश्वर हजारी और सुनील कुमार जो कि जो है बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ये तमाम लोग एक एक करके जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको सीधे राजभवन की। देखिए किस तरीके से एक एक करके नीतीश कैबिनेट के जो नए मंत्री हैं वो शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मनोनीत मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोज श्री महेश्वर हजारी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। महेश्वर हजारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश्वर हजारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पश्चात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नवनीत मंत्री श्री नीतीश मिश्रा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। व्यक्ति सभक तारीख अतिरिक्त जखन एहन मंत्री रूप में अपन
कर्तव्य सभक समय निर्वाहक लेल एहन करब अपेक्षित होय हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंवा प्रकट नहीं करब। मनोनीत मंत्री श्रीमती शीला कुमारी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के मनोनीत मंत्री श्री सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। करना
उपेक्षित हो, यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री जनक राम से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर